हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है मॉर्निंग का टाइम। आज मॉर्निंग से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग शुरू हो गई थी और ये प्लांट के पत्ते थे तो काफ़ी धूल मिट्टी इसमें चढ़ गई थी और इसे मुझे करना था क्लीन, तो मैं सारे पत्तों को अच्छे से क्लीन कर रही थी। और एसटी मिश्रा पुखराम ब्लॉगर में आपका तहदिल से वेलकम है। वो मैं भूल गई लास्ट में बोल रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल को न्यू देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी मतलब नीचे लोग बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं तो इग्नोर करना। और यहाँ पर इस तरीके से मेरे पत्ते साफ़ हो रहे थे प्लांट के, तो जब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं तो अच्छे भी लगते हैं देखने में। और हैप्पी लिए थी फ़ोन को तो क्लियर नहीं दिखा पा रही हैं आप लोगों को, पता नहीं कहाँ पे कैमरा घुमा रही हैं। मैं बोल रही थी पत्ते दिखाओ, वो ज़मीन दिखा रही थी। सो आप लोग देखो कितनी धूल मिट्टी चिपकी हुई है उसमें। सो वीडियो को फुल वॉच करें, एंड तक वीडियो पे बने रहें। तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाएं, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। बंद कर दे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से हम उनको सारे पत्ते साफ कर लेंगे एक एक करके और आराम से करेंगे, मतलब कि ताकि ये जो हमारे पत्ते हैं वो बिल्कुल टूटे नहीं। और यहाँ पे देखो सारे पत्ते अच्छे से क्लीन हो चुके थे तो देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और जब इस तरीके से पत्ते मतलब साफ़ सुथरे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देखो आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था खाना और चाय वगैरह मेरी हो चुकी थी सुबह की। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी आज बैंगन का भरता। आप लोग क्या बोलते हो तो प्लीज़ बताना, मेरे यहाँ भरता ही बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं बैंगन को भूंज रही थी चूल्हे पे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बैंगन वगैरह सब भून चुके थे और वो स्किप हो गई थी। मैं सोच रही थी वीडियो बन रही है बट वो वीडियो बन नहीं रही थी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गया तो उसमें हींग, जीरा, हरी मिर्च और प्याज, ये जब सारा हमारा हो जाएगा अच्छे से तो इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सूखे मसाले में हम डालेंगे हल्दी, धनिया, मिर्चा और सब्जी मसाला, गरम मसाला, यही सारा सब हमें यही डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखो हमारा जो प्याज वगैरह है सब अच्छे से भून चुका है और इसको हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें भूनना है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा प्याज और इसमें अब हम ऐड कर देंगे। ये हमने बैंगन को भूंज के रखा था, इसको देख लें आप लोग, कीड़े वगैरह रहते हैं तो देख लें। और यहाँ पे टमाटर भी कट कर लिए थे और टमाटर को गलने के लिए डाल देंगे नमक ताकि हमारे टमाटर काफ़ी जल्दी से हो जाएंगे और खड़े टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे नमक डालेंगे तो जल्दी से हमारे टमाटर ना उबल जाएंगे। और इसमें सारे हमें मसाले ऐड कर देना है। आप लोग देखो हमारे टमाटर कितने अच्छे से हो चुके हैं और इसमें सारे सूखे मसाले जाएंगे। ये गरम मसाला है और निकल नहीं रहा था, काफ़ी कम निकल रहा था। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे डाल चुकी हूँ मैं और इसमें हल्दी भी थोड़ी सी ऐड कर लूँगी। सारे हमें मसाले भूनने काफ़ी अच्छे तरीके से हैं, अगर हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो हमारी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी लगती है। और सबसे मेन चीज़ होता है मसाले को भूनना। अगर आपके मसाले ग्रेवी आपकी अगर अच्छी है तो सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पे हल्दी डाल देंगे, हल्दी ऐसे मतलब डाल देंगे तो उसको थोड़ी देर हम चला लेंगे, जब हो जाएगी नहीं तो उसमें मतलब पता नहीं कैसी हल्दी की जो कच्चापन होता है सब्ज़ी में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने हल्दी डाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे हमारे मसाले हो चुके हैं, हम डाल देंगे बैंगन को
और यहाँ पे अच्छे से हमने इसको वो कर लिया था, मतलब उबाल के, और कीड़े वगैरह भी अच्छे से देख लिए थे। और इसको हम अच्छे से सारे मसालों में मिक्स कर देंगे और हमें इसे कढ़ाई में 3 से 4 मिनट तक हल्की मतलब आँच पे इसको चलाते रहना है। और इसमें हमें डाल देना है जिससे मतलब अच्छा टेस्ट आए, तो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जो किसी खटाई आती है तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी किसी खटाई, सिर्फ थोड़ी सी ऐड करनी है कि घर की खटाई है तो काफ़ी मतलब खट्टी हो जाती है, तो सिर्फ थोड़ी सी डालनी है। और यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से चला लेंगे और हमारा बैंगन का भरता है वो बनके हो चुका है रेडी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से आप लोग भी आइए और खा लीजिए आके। और मुझे बैंगन के भरते के साथ साथ मेरा रायता तो ज़रूरी बनता है, और यहाँ पे खीरे का रायता बन चुका था, तड़का मैं दे चुकी थी। और इसमें जो मतलब रायता का मसाला आता है वो मुझे डालना था, तो यहाँ पे गोल्डी का रायता मसाला मैंने डाल दिया। और इस मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है रायते का। और इसमें ऐड कर देंगे काला वाला नमक, और इसको ना हमें फ्रिज में रख देना है। तो फ्रेंड, फ्रिज में रखने से हमारा रायता है उसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं आता है ठंडक में, और अगर हम ऐसे रखे रहेंगे तो काफ़ी खट्टा हो जाता है। और यहाँ पे रायता बन चुका था। और फिर फ्रेंड्स, ये थी मेरी शाम की क्लिप। और शाम को मैंने घी मतलब जो मलाई होती है उसको मैंने मलाई को फेर लिया था, तो मुझे घी भी निकालना था। मैं मलाई को निकाल मतलब जिस दिन फेरती हूँ उसी दिन मैं फ्रिज में नहीं रख लगाती हूँ, फिर मैं तुरंत के तुरंत गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे घी भी गर्म करना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब हैप्पी गिर गई थी तो उन्हें चोट भी काफ़ी लग गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, काफ़ी उसे चोट आई थी और खून वगैरह काफ़ी निकल आया था। तो यहाँ पर हमारा घी मतलब मलाई है वो खोलने लगी थी काफ़ी अच्छे से, और हमें इसे चलाते रहना है बराबर। और यहाँ पे आप लोग देखो हमारी जो है वो खोलने लगी थी, यहाँ पे अच्छे से घी निकल आया है, यहाँ पे निकल चुका है घी। अब इसको हम छान लेंगे डिब्बे में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मुझे बनाने थे नमक पारे, उसी दिन शाम की क्लिप है और मैं बना रही थी नमक पारे। और इसके मतलब बाद में हैप्पी गिरी थी, जब ये सारा मैं बना चुकी थी उसके बाद हैप्पी गिरी थी। और ये पहले की क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी उसे चोट आई थी और मैंने मतलब ज़रूरी नहीं समझा उसका वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं इतनी घबरा गई थी देख के, काफ़ी इतनी तेज़ चोट थी कि आपको मैं बता नहीं सकती, पूरा खून से लथपथ था उसका चेहरा, तो सिर में चोट लग गई थी। तो फ्रेंड्स, अब तो वो ठीक है लेकिन काफ़ी चोट आई थी, भगवान ने बहुत ही बचाया, वो जीने से गिर गई थी तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। मैं तो मतलब देख के मेरे तो होश ही उड़ गए थे, इतना उसका खून ब्लड निकला था। जो जब मैं बना रही थी तो ये हैप्पी ही सूट कर रही थी, काफ़ी मेरी हेल्प करवाती है मेरी बेटी, सच बता रही हूँ। और सच में उसे जब चोट लग गई थी, मेरा मतलब जो मतलब मेरा जी इतना तेज़ घबरा जाता है देख के कि मेरे हाथ पैर सब कप चुके थे उसे देख के, कि इतनी मतलब गहरी उसे चोट आई थी। आप लोगों की दुआ से मतलब वो अब अच्छी है, तो उसे ज़्यादा नहीं लगी थी, जिस हिसाब से खून निकला था उस हिसाब से उसे चोट बिल्कुल नहीं आई थी फ्रेंड्स। तो मतलब होता है ना, जब बुरा नहीं करते हैं तो हमारे साथ भी भगवान कभी बुरा होने नहीं देते हैं। तो बस यही है कि वो अब ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे नमक पारे अच्छे से कट चुके थे और हैप्पी सूट कर रही थी, पूरा मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा अगर पूरा मैं दिखाती वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता, फिर उसे अपलोडिंग करने में मतलब दिक्कत हो जाती है, तो मैंने जितना समझा उतना ही बनाया। आप लोग देखो इस तरीके से मैंने जल्दी जल्दी बनाया था, काफ़ी टाइम भी हो रहा था, 9:30 का टाइम था मेरे हिसाब से, तब मैं स्टार्टिंग कर रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मेरी बिट्टू रानी क्या बना रही हो, बना लेती हो आप? हाँ। जल्दी जल्दी बेल के अच्छा दिखाओ, देखो कैसे बेल रही हैं ये, इसमें क्या क्या मिलाया था आपने? ऑयल और रबा वो और
मैंने मिलाया इसमें ऑयल, अजवाइन और मैदा और बस, और नमक, नमक और कलौं, वो कलौंजी, कलौंजी भी मिलाई है। तो फिर क्यों कह रही बस? अभी कितनी देर लगेगी हमें लोगों को बनाने में, इतना सारा है और टाइम कितना हो गया है? रात के 9। मुझे तो लग रहा है सुबह ही तक बन पाएंगी। तो कह दो अगर मेरा मुझे मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके ख्याल रखना अपना। इतनी तो तुमने अभी बना पाई है, जल्दी जल्दी बनाओ। ओके नाला है ना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी नमक पारी बन चुके थे और इस तरीके से हमने सेक लिए थे। सो काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे। आओ उम्र इतनी नहीं तो 12 बज पी कहाँ लग गई? इधर। कैसे लग गई थी? मैं गई पड़ी थी। कैसे? जब मेरी जूती फिसल गई थी। अच्छा तो कितना खून निकला था? इतना। इतना कितना? इतना सा, थोड़ा सा। पूरा मुंह भिड़ गया था? नहीं हाँ। पूरा माउस सन गया था हाँ। कैसे रोई थी? ऐसे। अच्छा बोल तो तू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आज तक पहुंच जाए। दर्द हो रहा है? सर दर्द हो रहा? हाँ। ठीक है बाय बाय। अब तुम लेट जाओ, आराम करो ठीक। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाई है और पता है आप लोगों को हैप्पी को चोट लग गई थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक ले मुझे दो इजाज़त, टाटा बाय बाय। और फिर मैंने कानों में भी नहीं पहने, वो गाँव गई थी तब से मैंने उतार दिए, बट टाइम नहीं मिला, जब मतलब टाइम लगेगा तो पहन लेंगे। तो बैकग्राउंड में आवाज़ें भी आपको आती होंगी तो उसके लिए माफ़ करना, बोल रहे हैं काफ़ी लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।